लो बेन आ गया हैप्पी एंडिंग सब 10 रुपया छुट्टा दीजिए छुट्टा नहीं है फट्टू बोला था ना बाकी नाक के नीचे से निकल के आ गई मैं वो भी रचाड़ी साइड चल झगड़े वाले को 10 रुपया चुका फट्टू फट्टू नहीं लट्टू 10 क्या तू सौरभ मुंह दिखाई धंधे के टाइम पे शटर क्यों डाल दिया मेरा ठंडा ठंडा गरम ठंडा सब तू ही तो है वैसे भी मेरी भाई की दुकान से आई डोंट लाइक दिस गन गोली ओनली वन तंग टू ली मतलब तू तो फुल नकमा कुछ कमाता धमाता नहीं होगा कमाता भी हूँ धमाता भी हूँ अच्छा हाँ 3G बिजनेस है जी से गाड़ियां चोरी करवाता हूँ जी से कच्चा कच्ची पिक्चर के वीडियो पार्लर चलाता हूँ जी से गर्ल्स घेल सब घेल घेल सब पी फुल टाइम वेरी बिजी मैन ओए बिजी मैन दिल आ गया तुझ पे चाहिए तू मुझे तेरी बार का क्या मेरे से तो पूछा होता मेरे को नहीं चाहिए तो तुझे फटा लूंगी तेरे लाडले लाड करसन का क्या जी फुटा दूंगी घर वाले बीच में आ गए तो मना लूंगी मैंने तुझे छोड़ दिया तो उड़ा दूंगी क्या है फोन क्यों कर रहा है आया क्यों नहीं 28 होगी तेरी कमर जी नहीं 24 है शायद पर तू कहाँ है अरे बॉटम 42 बॉटम नहीं ऐसी तैसी तू क्यों नाप ले रहा है मेरा अरे बोल ले सिन्ना 36 36 नहीं 136 136 मारे बड़े दिल वाली कहाँ 136 अभी जा उसे भी डुबके मर जाता ये सब बकवास बंद कर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम छे सो अरे आओ तो अरे हुआ क्या वाइडी बोल ले बाकू शक है हमारी लव स्टोरी के बारे में शादी की डेट आगे करें कुछ करना पड़ेगा तो सबसे पहले नाप लेते हैं गर्दन मोर जैसी शुरू होती है तो खत्म ही नहीं होती है जहाँ खत्म होती है तो कमर हिरनी जैसी शुरू होती है खत्म हो जाती है तेरी बॉटम ये गार्डन जैसी मेरी शादी हो जाएगी पर ये यहीं रहेगी अरे लीला मैं वापस अपने कमरे में जा रही हूँ डोंट फॉलो मी अरे क्या डोंट फॉलो मी देख गचागची पिक्चर की VCD लेके आया हूँ टाइटल जो दुश्मन पजामा परेशान पजामा पहले देखेंगे फिर बनाएंगे तू यही सब मजाक करता रहे मेरी सिचुएशन कभी अंडरस्टैंड करेगा कि नहीं तेरे को क्या लगता है मेरे को अंडरस्टैंड नहीं है अपनी सिचुएशन में एक ही चीज कर सकते भाग के शादी करनी पड़ेगी वो भी कल के कल तेरे को मैं पिकअप करने आऊंगा 8 बजे साफ पाको अरे मारे गारंटी छे तू खाली अपना जिगर और फिगर पैक करके रख साथ में चकली चिवड़ानी गुलाबी काय गोर पापड़ी काय गोर पापड़ी काय गोर पापड़ी आसमान देखा नहीं और चांद निकल आया पैसा तकदीर जोरों पे है आपकी पेशवा जी ने पान मंगवाया है लो आप ही दे आओ इसी बहाने में अब बहाने की जरूरत नहीं है ये कटार पेशवा ने दिए अल्लाह और अपने ले ली पैसा आप जानती है ना इसका मतलब क्या होता है बुंदेलखंड में लड़की का ब्याह कटार से भी होता है तो क्या आपने ये कटार कबूल कर ली कबूल कर लिया और उन्होंने जागते नहीं तो इस रात को रोक लेते और आपको यूं ही देखते रहते रात को कैसे रोक सकती है कुदरत और किस्मत इंसान के बस में का जो इंसान के बस में नहीं
वो इश्क के असर में। तो क्या इश्क का असर आने वाले सूरज को भी रोक सकता है? लो रोक लिया, पान खा लीजिएगा वरना हम बिन बात बदनाम हो जाएंगे। मसानी साहिबा, हम कल चले जाएंगे तो हम शायद फिर कभी ना मिले। तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, अब तेरा जिक्र होगा इबादत की तरह। महफिल शुरू की जाए। महफिल सजाने के बजाय इस तरह घुंघरू रखकर महफिल का अपमान कर रही हो तुम। हम महफिल का अपमान नहीं, अपना मान रख रहे हैं। कौन हो तुम? मस्तानी। बुंदेलखंड की सौगात है ये। पेशवा के पाड़वा के उत्सव में तो इसने चार चांद लगा दिए थे। वो उत्सव था, ये महफिल है। और ये कोई नाचने वाली नहीं है, राजा छत्रसाल की बेटी है और इस वक्त पेशवाई की मेहमान है। लगता है ये मेहमान कुछ ज्यादा ही खास है। खास है प्रतिनिधि, इनकी वजह से आज ये पेशवा जिंदा है और पेशवा की वजह से मराठा साम्राज्य जिंदा है। आला लक्षात। क्षमा सा छत्रपति, इनको यहां से जाने की आज्ञा दीजिए, इनकी जगह इस महफिल में नहीं है। सही कह रहा है पेशवा, तुमने पेशवा की जान बचाई है, बदले में हम तुम्हें क्या दे सकते? अगर हमने मांग भी लिया तो आप दे नहीं सकेंगे छत्रपति। ऐसा क्या है जो एक छत्रपति नहीं दे सकते? पेशवा, दाद देते हैं हम तुम्हारी नजर की और तुम्हारे हौसले की, जिसने मराठा साम्राज्य की सबसे कीमती चीज मांगने की हिम्मत की। लेकिन इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती। किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। ए मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफे गलत हूं तो फिर मिटा दो मुझे। बहुत अच्छा, जा सकती हो मस्तानी। लगता नहीं है तूफान थमेगा पैसा। चलिए वापस चलते हैं बुंदेलखंड। और वैसे भी हमें यहाँ के क्या मिला है? पूना गए तो नाचने वालियों के बीच रखा, सातारा में महल के बदले नदी पार यहाँ रखा है इस खंडर में। डर लगता है भाई साहब, अपने जिनकी कटार से ब्याह किया है वो तो इस रिवाज से अनजान है, और अगर उन्होंने ये रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया तो। हम भी तो देखें अपने इश्क का सर। देख लीजिए अपने इश्क का सर। आपने भरे दरबार में पेशवा मांगा था ना, पेशवा हाजिर है। मानना पड़ेगा मस्तानी साहब, जिस रिवाज से जिस रिश्ते से हम अनजान थे उसके लिए आप अपना सब कुछ छोड़कर चले गए। क्या है इस दीवानगी की वजह? इश्क, जो तूफानी दरिया से बगावत कर जाए वो इश्क, भरे दरबार में जो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क, जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए वो इश्क। ये समाज ही शनियारवाड़ा आपको कभी नहीं अपनाएगा। हमारे साथ इश्क मतलब अंगारों पर चलना होगा। कबूल है। हमारी पत्नी है काशी, हम आपको पहली पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे सकते, हम सिर्फ आपके कभी नहीं हो सकते। कबूल है। हमारा नाम अपने नाम से जोड़कर आपको बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। कबूल है। ये धरती, ये आसमान, ये तूफान और ये सीने की आग को साक्षी मान के आज से हम आपको अपनी पत्नी मानते हैं। दुनिया हम दोनों को हमेशा एक ही नाम से याद रखेगी, बाजीराव मस्तानी। ये तो वही है, योर हस्बैंड।
नहीं, वो एयरपोर्ट वाला संकेत बताया था ना। यू नो वेरोनिका, मैंने लाइफ में कभी इतना गिरा हुआ, बदतमीज और बेशरम इंसान नहीं देखा है। ओ या 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 या, चलो चलो, अरे चलो ना। अरे ऐसा चांस छोड़ता है कोई? As I was saying, the reason this fire was... चंद्र जी का लाख लाख शुक्र है, तुम मिल गए। कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने, और तुम इन दिस फॉरेन कंट्री अपने दोस्तों के साथ बैठ के चिटचैट कर रहे हो। हाउ कुड यू डू दिस टू मी माय लव, व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व सच हेट्रेड? हु द हेल आर यू? हु द हेल एम आई? यू आर आस्किंग मी हु द हेल एम? पांव पड़ती हूं, जो हुआ उसे भूल के फ्रेश स्टार्ट नहीं ले सकते। लिसन, एक घंटे बाद देते हैं फ्रेश स्टार्ट, पर अभी ये मीटिंग मेरे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है और ये हमारी प्यार की निशानी, योर बच्चा, आवर चाइल्ड, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। यू आर वुमन एंड अ वुमन नोज, प्लीज टेल हिम दिस इज हिज बन इन माय ओवन। गुड वन, गुड वन। Hey, that's a joke, okay? It's a joke. चल बता, मामा कहाँ हैं? जी, घटिया इंसान, तूने मामा पे उंगली उठा रही हो? Disgusting. Everybody, just relax. You need to sort your mess out first, young man. I don't know this girl. ठीक है, make me suffer, but I love you. I love you. So where are we going for dinner tonight? मुझे टेबल बुक करना पड़ेगा। आप मुझसे बात कर रहे हैं? ओ यार, फिर वो बच्चों का खेल, मैं तुम्हें नहीं जानती, दफा हो जाओ एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं ना सोनू, चल एक फ्रेश स्टार्ट लेते हैं। प्लीज डोंट डू दिस। आई सेड ना आई एम सॉरी। अब क्या, घुटनों पे गिर गिराना पड़ेगा मुझे? गलती हो गई यार, हालत देखो मेरी, अब तो गुस्सा थूक दो प्लीज। लिसन, जो भी हो तुम, मेरे हस्बैंड बाहर मुझे लेने आए हैं। ओके, तुमने शादी कर ली? अब इस गम को भी सह लेंगे हम। बर्दाश्त, बर्दाश्त ना सलीम ना, और भी गम इस जमाने में मोहब्बत के सिवा। जी लेंगे हम, इस गम को भी पी लेंगे हम।